सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के राहतगढ़ में भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री गोपाल भार्गव और पूर्व कृषि उपज मंडी अध्यक्ष सुधीर यादव ने रोड शो किया। भाजपा प्रत्याशी राजपूत के पक्ष में जन सैलाब उमड़ा। नगर के झंडा चौक पर मुस्लिम समुदाय के भाजपा युवा नेता एवं वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने पुष्प माला पहनाकर नेताओं का स्वागत किया। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। जिनको नकारा नहीं जा सकता, चाहे वो कन्यादान योजना हो, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे बच्चियों के लिए नकार योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जितनी भी योजनाएं ऐसी है मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने दी। हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गरीब से गरीब लोगों को मिला है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो आज कांग्रेस कर रहे हैं, जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनको ध्यान रखें। इधर से एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना उन कांग्रेस के कहने वालों के द्वारा नहीं आएगी, हम लोगों के द्वारा आएगी। आप लोगों का कच्चा मकान पक्का बनेगा। इस उम्मीद के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वो बोले जय हिंद जय भारत। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता कदम ताल करते हुए राहतगढ़ के युवा साथी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।